दोस्तों आप सभी का स्वागत है न्यूज पॉइंट राजस्थान में। मैं आपका मेजबान मोहम्मद मुजाहिद। आज हम बात करेंगे हमास के कैदियों की जो रिहा होकर इसराइल पहुंच चुके हैं। आपने सुना होगा कि किसी पर किया हुआ एहसान छुपा नहीं सकता और छुप नहीं सकता। तो आज हमास की कैद से रिहा होने वाले इसराइलियों से एक मुलाकात के दौरान इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को लोगों ने आड़े हाथ लिया और फलस्तीनी कैदियों की फौरी तौर से रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। मामला क्या है? बैनुल अक्वामी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास की कैद से रिहा होने वाले इसराइलियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान होने वाली गुफ्तगू को भी एक इसराइली वेबसाइट वाइनेट ने जारी किया है। इसराइलियों से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमारे हमलों का हमास पर बहुत भारी दबाव पड़ा है, उसके बाद उन्होंने हमारे कैदियों को रिहा किया है। नेतन्याहू की बात को काटते हुए इसराइली कैदी के एक रिश्तेदार ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, ये तमाम की तमाम बातें झूठ हैं। इस पर वजीर आजम भड़क गए, नेतन्याहू गुस्से में आ गए और कहा कि मैंने कहा वही सच है और बाकी तमाम बातें झूठी हैं। इसी पर बात के दौरान हमास की कैद से रिहा होने वाले एक शख्स ने यह भी कहा कि हमास और फलस्तीन इसराइली बमबारी की जद में है और इसराइली फौजियों के बमबारी की जद में होकर उनकी जानों को खतरा है। इसराइली एक शख्स जो अभी हमास और इसराइल की जो जंगबंदी हुई थी फौरी तौर पर, उसमें जो कैदियों को रिहा किया था उसमें से खातून ये थी, उसने कहा कि मेरा शोहर अभी भी हमास की कैद में है। हमास ने हमें जिस जगह रखा हुआ था वहां मुसलसल इसराइली तैयारे बमबारी करते थे। खातून ने यह भी कहा कि इस बमबारी के नतीजे में कुछ इसराइली कैदी जख्मी भी हुए थे और जब हमास के सिपाही हमें गजा ले जा रहे थे उस वक्त भी इसराइल ने उन पर गोलियां बरसाई थी। इसराइली खातून शदीद गुस्से का इजहार करते हुए उसने कहा कि एक मुतालबा किया कि तमाम फलस्तीनी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और अब यह जंग खत्म होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक बात के दौरान और मुलाकात के दौरान कुछ लोगों ने वजीर आजम नेतन्याहू के सामने शर्म करो के नारे भी लगाए। वाजे रहे कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइल के हमलों में अब तक 16,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और कई लाख जख्मी हैं और कई मलबे के नीचे दबे हुए हैं और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे दिल को और रोंगटों को खड़ा कर देगी। वो मासूम बच्चे जो अपनों से कह रहे हैं काश के अम्मी और अब्बू जिंदा होते, हमारे दरमियान मौजूद होते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।